विकास भवन सभागार में परिवर्तन संस्था के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में संस्था के सचिव श्रेया तिवारी ने कहा कि परिवर्तन संस्था रांची के द्वारा साहिबगंज जिले के राजमहल में प्रस्तावित पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 16 जून 2024 की शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा महाआरती, लेजर शो एवं प्रसाद वितरण होना है। साथ ही संस्था के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए कार्यक्रम प्रमुख आरसी शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक उत्थान के साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए पर्यावरण के प्रति प्रेरित कर पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागृति लाना ही मुख्य लक्ष्य है। लोगों में समझ पैदा हो, पर्यावरण के प्रति सजग और जागरूकता हो, पर्यावरण का संरक्षण वो कर सके। इस मौके पर संस्था के कोषाध्यक्ष डॉ. पूजा सिन्हा, पूनम कुमारी, निशा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। दशहरा 16 जून 2024 को राजमहल की घाट पे हमारा एक कल्चरल इवेंट प्रोग्राम हो रहा है, जिसके साथ गंगा आरती 6:30 से 7:30 के बीच है, लेजर शो जिसमें माँ गंगा और गंगा दशहरा को के उपलक्ष्य पे एक प्रोग्राम 7:30 से 8:30 के बीच है, और वो भोग वितरण 8:30 से 9:30 के बीच है। परिवर्तन संस्था की ओर से आप सबको आमंत्रण है कि आप आए और गंगा दशहरा के भव्य इस आयोजन को सब मिलके सफल बनाएं। जागरूकता और खुशी की तौर से मनाने की है कि हमें जागरूक अगर होना है तो हम खुश होके और दिए जला के भी मना सकते हैं। क्या हम लोग आपको जोड़ना चाहूँगी कि हमारे रांची में कुछ कुछ स्कूल्स हैं जो स्पेशल स्कूल्स हैं, वहाँ के जो MR बच्चे हैं, जो मेंटली चैलेंज बच्चे रहते हैं, तो उनको फिजिकली कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो हमने उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने के लिए क्राफ्ट्स एंड ऑल रहता है, तो उसमें उनके द्वारा ना दिया आर्ट होता है, तो वो हमारा वो दिए हम लोग इस दिव्य दीप दीपावली में यूज़ करेंगे उत्सव पे। दीप जो दीप रहेगा वो उन बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है। दशहरा के दिन गंगा आरती एवं वहाँ की सफाई, प्लांटेशन और एक नई तरीके से लोगों में जागरूकता जो कि बहुत ज़रूरी है करने की, वो हमने एक स्पेशल शो रखा है लेज़र लाइट शो का। अब लेज़र लाइट शो से हमारे लोगों में एक अट्रैक्शन भी होगा कि आप आए और देखें कि पहले तो माँ गंगा की जो पूरी जर्नी है, पूरा हिस्टोरिकल उनका नेचर है, वो हम लोग दर्शाएंगे, एवं हमारी आज के डेट में जो हमारे एनवायरनमेंट का, जो हमारे पर्यावरण का हर्ष हुआ है वो भी एक क्लिप है, और साथ ही साथ हमें जागरूक होने की कितनी ज़रूरत है अब, ना कि सिर्फ हमें नदी, पेड़, हर एक चीज़ को बचाने की कितनी ज़रूरत है। नाउडेज जिस तरह से पर्यावरण दिन ब दिन बदल रहा है और आप और हम सब इस चीज़ को झेल रहे हैं, और हमारी ये अगर कोशिश ना रहे कि हम अगर इसे बचा पाए तो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ भी नहीं रख पाएंगे। सिर्फ वो हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे या फिर जो पहली पीढ़ी थी, उन्होंने जो भी मिला उनको उन्होंने प्रिजर्व ही नहीं किया, बचाया ही नहीं हमारे लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज से, अभी से हम जागे और हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है वो बचाए, चाहे वो नदी के तौर पे है या चाहे पेड़ हो या रिसोर्सेस हो, जो भी है हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट, हमें प्रकृति को बचाने की बहुत